वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो हम बात करेंगे कि व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज और फ्रेश पायलट वैकेंसीज इन फ्यूचर। और दोस्त ने ये भी लिखा है, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आई डोंट वांट टू बी अनएम्प्लॉयड। तो दोस्त, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या हाई क्लास फैमिली से हो, कोई भी अनएम्प्लॉयड रहना पायलट रहने के बाद पसंद नहीं करता। मुद्दे की बात करते हैं कि फ्रेश पायलट्स की वैकेंसीज हम कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर वन, जो मेजर एयरलाइंस हैं, दे हैव पुट अप ह्यूज ऑर्डर्स। सो दिस इज द सिंबल, दिस इज द साइन फॉर अस इन फ्यूचर कि वैकेंसीज आती रहेंगी। क्योंकि ये जो भी ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है एक दो साल में पूरे हो जाएंगे, 10 से 15 साल में दोनों जो मेजर एयरलाइन है, इंडिगो एंड एयर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो धीरे धीरे पूरे होते हैं। अब जब ऑर्डर्स पूरे होते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि आज ही 1000 पायलट बिठा के रख लेंगे, बिकॉज अगेन पायलट्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर एयरलाइंस। तो धीरे धीरे वैकेंसीज आपकी आती रहेंगी, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर दूसरी बात, अगर हम अभी रीसेंट सिनेरियो देखें तो 40 से 60 डेज में यू गेट वन वैकेंसी राइट नाउ। नंबर तीसरी बात, ग्लोबली एविएशन बूम कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं इंडिया में अभी, जिनके पास ATPL है या ऑलरेडी कैप्टन है, दे आर मूविंग आउटसाइड द इंडिया। वो अपना DGCA से कन्वर्जन EASA करा रहे हैं, ज़्यादातर लोग EASA में कन्वर्जन करा के वो बाहर जा रहे हैं। तो ये भी एक आपकी नई वैकेंसी जनरेट करने का सिस्टम बनता है। तीसरी चीज, बहुत सारे पायलट्स रिटायर हो रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि भाई आपके लिए वैकेंसीज आती रहेंगी। लेकिन एज सच कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपकी नौकरी तुरंत लग जाएगी। सो गाइज, बेटर टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम डे वन। आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, जिससे वेन एवर यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी आप उसको ग्रैब कर। गारंटी कहीं भी नहीं है। और अगर आपको अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है और आपको एक बार में सिलेक्शन लेना है, तो CPL और टाइपराइटिंग करने के बाद, जो CPL का बेसिक मटेरियल है और जो टाइपराइटिंग का आपका टेक्निकल और परफॉर्मेंस है, इन दोनों को और CPL का पूरा ये पढ़ाई आप रोज 2 से 3 घंटे अगर आप करते रहेंगे बिना किसी वैकेंसी का इंतजार करे, तो यू आर रेडी टू गो एट एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गई तब आप तैयारी करेंगे। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो तुम क्या मेरे दोस्त, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है। कोई बड़ी वैकेंसी होती है, जब आपको 100 पायलट लेने होते हैं, तो उसमें ये परसेंटेज नहीं देखते, ऊपर से नहीं लेते, ये एक कोई कट ऑफ निकाल देते हैं कि भाई जिसके 80% अबव है ले लो उनको, अगर आपके 80% नहीं है तो फिर वो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए अहेड इन अ कॉम्पिटेंस, बी रेडी वन स्टेप अहेड प्रायर एनी काइंड ऑफ एयरलाइन वैकेंसी। दिस इज हाउ यू कैन सिक्योर योर जॉब एज सून एज पॉसिबल। आई होप आई हैव गिवन यू द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, बट इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, माई बॉय, आई एम हियर टू हेल्प यू।